आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। सिंगिंग के सबसे बड़े रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर अनेक कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया, अपने अपने तरीकों से गानों को गाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। 8 महीने से चल रहे इंडियन आइडल शो से पिछले दिनों सवाई भाट को एलिमिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद से फैंस ने इंडियन आइडल शो को जमकर ट्रोल किया था। फैंस ने कहा था कि ऊंची आवाज में गाने वाले सवाई को मेकर्स ने अपने फायदे के लिए शो से बाहर कर दिया। इसके बाद सवाई भाट ने हिमेश रेशमिया के एल्बम हिमेश के दिल से का गाना सांसे गाया है, जिसके बाद यूट्यूब पर सवाई भाट को फैंस ने ढेर सारा प्यार दिया। सवाई भाट के इस गाने पर प्यार की बदौलत महज 3 दिनों में ही 14 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके हैं। हिमेश के दिल से एल्बम में इससे पहले तेरे बगैर गाना 23 जून को रिलीज किया गया था। गाने में अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन ने मिलकर इस सॉन्ग को गाया था। इस गाने पर 13 दिन में सिर्फ 14 मिलियन ही व्यू आए, जबकि सवाई भाट का गाना सांसे 3 जुलाई को दोपहर 1 बजे रिलीज हुआ था। इस गाने पर अब तक 14 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं। साथ ही सभी वीडियो को पछाड़ कर सवाई भाट का यह गाना इस वक्त यूट्यूब की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। सवाई के इस गाने को फैंस अब अरुणिता और पवनदीप के गाने से कंपेयर कर रहे हैं। फैंस गाने पर कमेंट करके सवाई भाट को ही इंडियन आइडल का असली विनर बता रहे हैं, क्योंकि अरुणिता और पवनदीप के गाने को लंबे समय के बाद भी उतने व्यू नहीं मिल पाए हैं जितने व्यू सवाई को महज कुछ ही घंटों में मिल गए हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि सवाई भाट का जादू जमकर चला है और अपने करियर के पहले गाने में ही सवाई ने अपने गाने से तहलका मचाकर खुद को साबित कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज।